नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नई बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में यह कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान सहमति से सेक्स के मामले में रेप का मुकदमा नहीं चल सकता। कोर्ट द्वारा यह कहा गया, इस संबंध के विफल होने तथा पुरुष के किन्हीं ऐसे कारणों से शादी से मुकर जाने के बाद उसके खिलाफ रेप का केस नहीं चलाया जा सकता जिस पर उसका वश न हो। कोर्ट द्वारा इसके साथ ही महाराष्ट्र की एक नर्स के द्वारा एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया गया। ये दोनों कुछ समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जज ए के सिकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ द्वारा यह कहा गया कि यदि लिव इन पार्टनर्स के बीच शादी के वादे के आधार पर सहमति से सेक्स होता है और वह आगे चलकर पुरुष शादी नहीं कर पाता है तो महिला ऐसे मामलों में आपराधिक प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकती। कोर्ट ने साफ कहा, ऐसे मामले को शादी के वादे से मुकर जाने के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि शादी के झूठे वादे के रूप में। कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि बलात्कार और सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बीच स्पष्ट अंतर है। इस तरह के मामलों को अदालत को पूरी सतर्कता से परखना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था या उसकी गलत मंशा थी और अपनी यौन इच्छा को पूरा करने के लिए उसने झूठा वादा किया था, क्योंकि गलत मंशा या झूठा वादा करना ठगी या धोखा देना होता है। कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि अगर आरोपी ने पीड़िता के साथ यौन इच्छा की पूर्ति के एकमात्र उद्देश्य से वादा नहीं किया है तो यह बलात्कार का मामला नहीं माना जाएगा। और इसके साथ ही महाराष्ट्र के सरकारी डॉक्टर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग खारिज कर दी गई है, जिनके खिलाफ उनके साथ काम करने वाली नर्स द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया यह जा रहा है, नर्स द्वारा यह कहा गया था कि वह डॉक्टर के प्यार में गिरफ्तार हो गई थी और बाद में उसके साथ वह रहने भी लगी। इस दौरान डॉक्टर ने उससे शादी का वादा भी किया, जिसके बाद उनके बीच शारीरिक संबंध बने और बाद में डॉक्टर ने किसी अन्य महिला से शादी कर ली। बम्बई हाईकोर्ट ने इस मामले में डॉक्टर की अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जहां उन्हें राहत मिली। कुल मिलाकर दोनों जजों ने यह कहा है कि अपनी शिकायत में महिला ने खुद कहा है कि पति के गुजर जाने के बाद वह डॉक्टर के प्यार में पड़ गई थी और उनके साथ रहने लगी थी। ऐसे में उस शख्स के खिलाफ रेप का केस नहीं चल सकता।